एनसीएस से रोहित शर्मा की फिटनेस को हरी झंडी मिल गई। अब हर किसी को इस बात का इंतजार है कि आखिर रोहित कब ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे और वो कब ट्रेनिंग करेंगे। अगले दो दिनों में रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भर सकते हैं। हालांकि बीसीसीआई की तरफ से अब तक रोहित के ऑस्ट्रेलिया जाने को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ये लगभग तय है कि रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी दो टेस्ट मैच खेलेंगे। रोहित को मेलबर्न में भेजा जाए या सिडनी में, इसको लेकर भी अभी बीसीसीआई के अधिकारी मत्थापच्ची कर रहे हैं। दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते रोहित को ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान फंसा है। दरअसल कोरोना प्रोटोकॉल तहत उन्हें ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही 14 दिनों के क्वारंटाइन में रहना होगा। अगर रोहित अगले दो दिनों में ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं तो उनका क्वारंटाइन 28 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच 7 जनवरी को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। वहीं मेलबर्न में 26 से 30 दिसंबर तक दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। ऐसे में बीसीसीआई के अधिकारी चाहते हैं कि रोहित शर्मा सीधे मेलबर्न पहुंचे, ऐसे में वो टीम के बाकी सदस्यों के साथ जल्दी जुड़ सकते हैं। अंग्रेजी खबर से बातचीत करते हुए बीसीसीआई के ट्रेजरर अरुण धूमल ने कहा, बीसीसीआई को अभी ये फैसला करना बाकी है कि आखिर उन्हें कहां भेजा जाए, मेलबर्न या सिडनी। रोहित ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ के संपर्क में रहेंगे, क्वारंटाइन के दौरान अपनी ट्रेनिंग करेंगे। बेहतर होगा कि वो मेलबर्न पहुंचे, लेकिन टीम के सपोर्ट स्टाफ इस चीज को बेहतर तरीके से बता सकते हैं। वहीं कहीं ना कहीं अपना फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद भी क्या ऑस्ट्रेलिया दौरा कर पाएंगे रोहित शर्मा? आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें। LDNEWS रूम की रिपोर्ट।